तो हीट ऑफ एक्सचेंज में मिस्टर श्याम ने डेविड को बोल दिया, हे मैन, शट योर माउथ, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द होबो दिवाकर में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब हेल्दी होंगे और सेफ होंगे। आज का जो किस्सा है वो यूरोप टूर से रिलेटेड है और ये किस्सा 2008 का है। इसमें एक 35 पैक्स का हमारा एक बस लोड था और इस टूर को हमने स्टार्ट किया था लंदन से, यानी कि यूरोप टूर जनरली लंदन से शुरू होते हैं। तो लंदन से फिर हम लोग स्विट्ज़रलैंड गए थे, स्विट्ज़रलैंड से फिर हम लोग ने ऑस्ट्रिया में गए थे, ऑस्ट्रिया से फिर जर्मनी होते ये टूर ख़त्म होना था। सो दिस टूर वॉज अबाउट फॉर 9 days, 9 nights and 10 days। और यूरोप टूर में जो है जनरली दो तरह के चैलेंजेस आते हैं। एक चैलेंज होता है वो है रूम से रिलेटेड, क्योंकि जितने भी अच्छे आप होटल्स ले लें लेकिन उनके होटल्स के रूम का साइज़ छोटा होता है। और दूसरा जो चैलेंज आता है वो है इंडियन फूड से रिलेटेड। मैं ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि ये दोनों बातें हमारे क्लाइमेक्स के लिए बहुत रिलेवेंट है। तो मैं किस्सा शुरू करता हूँ, लेकिन किस्सा शुरू करने से पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा कि प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज जल्दी ही ट्रैवलिंग शुरू होने वाली है और हम लोग काफ़ी अच्छे आपको ट्रैवल ब्लॉग देने वाले हैं, प्लीज़ डोंट फॉरगेट इट। अभी हम लोग यूरोप के टूर के अंतिम चरण में है और मेरे साथ पे 35 पैक्स जो कि हैप्पी कस्टमर्स हैं वो बस में है। और मैं आपको अभी मेरे टूर के दो इम्पॉर्टेंट जो करेक्टर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। उसमें है मिस्टर श्याम। मिस्टर श्याम जो है वो टूर गाइड है, ही इज़ ए टूर एस्कॉर्ट बेसिकली, और वो जो है लंदन से हैं। वो हैं तो इंडियन ही लेकिन वो लंदन बेस है, तो आप समझ सकते हैं कि समवन इज़ फ्रॉम इंडिया बट लंदन बेस, सो ही एक्ट्स लाइक ब्रिटिशर। और दूसरे हमारे जो मेन करेक्टर ऑफ दिस टूर हैं वो मिस्टर डेविड है। वो मिस्टर डेविड जो है वो बस ड्राइवर है, वेल मैनर्ड ड्राइवर, लेकिन ही इज अ ब्रिटिशर एंड ही एक्ट्स लाइक ब्रिटिशर। तो इन दोनों करेक्टर्स में जो रिलेशन है, वर्किंग रिलेशन, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। जनरली हमारे टूर में कैसा होता है कि जैसे लॉन्ग टूर होते हैं, यूरोप के टूर्स होते हैं, तो हम लोग जब टूर का पूरा दिन ख़त्म होता है तो शाम के टाइम हम लोग बैठ के आपस में, ड्राइवर, माई सेल्फ एंड गाइड, हम तीनों साथ में बैठते थे डिनर के बाद में, जिससे कि हम टूर की प्लानिंग कर सकें। तो ये एक जनरल टूर का कल्चर है। व्हाई आई एम मेंशनिंग दिस, बिकॉज ये भी टूर का बहुत ही, जो हमारा ट्रैवल किस्सा है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इस टूर में क्या हुआ कि दो हमारे जो दोनों करेक्टर हैं, मिस्टर श्याम एंड मिस्टर डेविड, इन दोनों में आपस में जो है टूर के स्टार्टिंग से कुछ खास बन नहीं रही थी, क्योंकि मिस्टर श्याम जो है वो अपनी काफ़ी जो ट्रैवल का ज्ञान था वो उनके ऊपर, मिस्टर डेविड के ऊपर इम्पोज कर रहे थे। तो काफ़ी उनके बारे में कई बार आपस में जैसा होता है कि भाई ठीक है, ट्रैवल रूट ये है, पार्किंग की जगह ये है, तो उन दोनों में इस चीज़ के ऊपर काफ़ी बार आर्गुमेंट्स हो चुके थे। इनफैक्ट मिस्टर श्याम ने एक बार डेविड को, जो ड्राइवर है, उसको बोल भी दिया था, हे मैन, यू डोंट नो एनीथिंग। अब हम लोग टूर के 9th day में है, 9th night में है, और ये टूर का अंतिम चरण था। और इस दिन हम लोगों ने हेडलबर्ग की साइट सींग की, हम लोग जर्मनी में थे, तो हेडलबर्ग की साइट सींग के बाद में हम लोग ने कोलोन में हमारा स्टे था। तो होटल में स्टे में जाने से पहले हम लोग रेस्टोरेंट गए, वहाँ हमारा डिनर फिक्स था। तो उस दिन का डिनर, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि लास्ट नाइट है तो डिनर अच्छा होना चाहिए। वी ऑलवेज वॉन्ट कि जो लास्ट नाइट है वो कस्टमर्स के लिए हाई नोट पे रहना चाहिए, जिससे कि कस्टमर्स उसको, दे कैन गो बैक विद वेरी गुड मेमोरीज। अनफॉर्चुनेटली जो रेस्टोरेंट हमारे सप्लायर ने फिक्स किया था, दे वर नॉट ऑफरिंग एग्जैक्टली इंडियन ऑथेंटिक डिनर, सो आई वॉज नॉट सो हैप्पी। तो मेरा डिस्कशन जो है वो मिस्टर श्याम के साथ हुआ, क्योंकि मिस्टर श्याम जो है वो लंदन सप्लायर हैं, उनको रिप्रेजेंट करते थे। तो मैंने अपना ग्रीवेंस उनको बताया, मैंने उनको मेंशन किया कि आई एम नॉट सो हैप्पी अबाउट द डिनर। सो वी आर जस्ट टॉकिंग, वी आर डिस्कसिंग एंड वी आर आर्ग्यूइंग। तो आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा हाई लेवल पे था। जब आर्ग्यूमेंट हो रहा था तो मिस्टर डेविड, जो ड्राइवर, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग टूर के एंड में सब लोग साथ में रहते थे,
तो मिस्टर डेविड ने मिस्टर श्याम को इंटरप्ट किया, तो हीट ऑफ एक्सचेंज में मिस्टर श्याम ने डेविड को बोल दिया, हे मैन शट योर माउथ, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। मिस्टर डेविड वॉज टोटली रेड फेस्ड, तो मुझे लगा कि डेविड को ये बात पसंद नहीं आई। तो खैर वो दिन पूरा हो गया और उसके बाद हम लोग होटल जा चले गए और दैट डे वॉज ओवर। अभी हम लोग टूर के 10वें दिन में हैं और ये टूर का फाइनल डे है। उस दिन मौसम बहुत खुशगवार था। जनरली यूरोप का जो मौसम होता है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्लेजेंट होता है। आई वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी, क्योंकि जब भी हम लोग लंबे ट्रिप करते हैं तो क्वाइट ऑब्वियस फैमिली की भी काफ़ी याद आती है। तो मैंने जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट किया, जितने भी अपने टूर के पार्टिसिपेंट थे उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि प्लीज़ चेकआउट, ब्रिंग योर लगेज एंड लेट्स गो टू द पार्किंग स्पेस। तो सब लोगों ने वो इंस्ट्रक्शन फॉलो किया। जैसे मेरी आदत है उसके हिसाब से मैंने जल्दी ब्रेकफास्ट ख़त्म किया और मैं सीधा पार्किंग स्पेस पे गया। तो वहाँ जाके क्या देखता हूँ कि जो बस का इंजन है वो खुला हुआ है और मिस्टर डेविड वहाँ आराम से ऐसे बैठे हुए हैं। मैंने डेविड से पूछा व्हाट हैपेंड, तो उसने बड़ा कोल्ड सा जवाब दिया, बस ब्रोक डाउन एंड दिस बस कैन नॉट बी यूज्ड एनी मोर। तो इस आंसर के बाद में मुझे लास्ट नाइट का इंसिडेंट याद आया और मैंने डेविड को बहुत कन्विंस करने की ट्राई की, लेकिन डेविड का जो ब्रिटिश ईगो था वो टस से मस नहीं हुआ। तो उसके बाद में मिस्टर श्याम वो भी आ चुके थे, तो मैंने उनको पूरी स्थिति से अवगत कराया। वी हैड ए डिस्कशन। तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि वी वर एट कोलोन एंड वी वर सपोज टू गो टू फ्रैंकफर्ट। टाइम था अराउंड 10 o'clock, फ्लाइट का टाइम था 3 o'clock डिपार्चर टाइम, और वहाँ से जो बाई रोड जो उसका टाइम है पहुँचने का कोलोन टू फ्रैंकफर्ट वो कुछ 2.5 hours का था। तो सिचुएशन वॉज वेरी डिफिकल्ट, द चैलेंज वॉज देयर। तो क्या लगता है दोस्तों, हम लोग ये फ्लाइट पकड़ पाए होंगे? लेट्स सी। तो मेरा डिस्कशन मिस्टर श्याम के साथ हुआ और इसके साथ में जितने कस्टमर्स थे हमारे उन सबको मैंने ये सिचुएशन के बारे में ब्रीफ किया। मिस्टर श्याम जो है वो काफ़ी एक्सपीरियंस गाइड थे, हालांकि वो काफ़ी नॉलेज अपनी एक्सप्रेस करते थे, सो दैट वाज द टेस्टिंग टाइम फॉर हिम आल्सो। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा सजेशन दिया। उन्होंने बोला कि प्रमोद भाई यहाँ से जो है वी हैव वॉकिंग डिस्टेंस 1 railway station और वहाँ से हम लोग आइस ट्रेन पकड़ सकते हैं। आइस ट्रेन जो है जर्मन्स की बहुत ही बेहतरीन ट्रेन में से एक है, जो कि हाई स्पीड ट्रेन होती है। तो मैंने सब कस्टमर को ब्रीफ किया, उनको बोला ये सिचुएशन है, हम सबको वॉक करते हुए रेलवे स्टेशन जाना होगा। शुरू में कुछ लोगों ने थोड़ा डिसप्लेजेंट जो था वो व्यक्त किया, लेकिन वो भी समझ रहे थे कि हमारे पास में दूसरा कोई चॉइस नहीं है। तो हम लोग जो है फटाफट लगेज के साथ में स्टेशन पहुंच गए। फॉर्चुनेटली स्टेशन वॉज जस्ट नियर बाई, नॉट मोर देन 200-300 meters फ्रॉम द होटल। हम लोग स्टेशन पहुंचे, वहां जाके जो है मैंने श्याम को बोला कि आप पता कीजिए ट्रेन के बारे में। तो उन्होंने पूछ के बताया, उन्होंने बोला कि 30 euro कॉस्ट है कोलोन से फ्रैंकफर्ट जाने के लिए। इसमें एक बहुत ही अच्छी बात मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा कि जो आइस ट्रेन चलती है कोलोन से फ्रैंकफर्ट के लिए वो डायरेक्ट जो है फ्रैंकफर्ट के एयरपोर्ट के अंदर ही उतरती है। उसका जो स्टेशन है वो एयरपोर्ट के अंदर ही है। सो दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट फॉर अस। तो शाम ने आके मुझे बोला कि 30 euro पर पर्सन टिकट की कॉस्ट है। सो टोटल 35 packs के लिए 1050 euro की कॉस्ट थी। एक्चुअली इस तरह के टूर में 1000 है एक्स्ट्रा खर्च करना काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है। तो दिस वाज द टाइम टू टेक एग्जीक्यूटिव डिसीजन, क्योंकि एक तरफ जो है कंपनी की गुडविल थी, दूसरा जो है रिटर्न टिकट के लॉस का भी चांस था। सो आई डिड नॉट वेस्ट टाइम, इमीडिएटली मैंने 1050 euro जो है शाम को दिए एंड वी बॉट द टिकट फॉर 35 packs फ्रॉम कोलोन टू फ्रैंकफर्ट। सो जो डिस्टेंस था बाई ट्रेन इट वॉज ओनली 180 kilometers,
और जो डिस्टेंस कवरिंग टाइम था बाय ट्रेन आइस ट्रेन का वो अप्रॉक्सीमेटली 70 मिनट्स था। तो सभी लोग ने ट्रेन के अंदर बोर्ड किया। जैसे ही ट्रेन में सब लोग बैठे तो सब लोग बहुत खुश हो गए, क्योंकि जो यूरोपियन ट्रेन्स हैं वो हाई क्लास होती हैं और लग्जूरियस ट्रेन्स होती हैं। तो सब लोग को जो वो एक्सपीरियंस था वो भी बहुत अच्छा लगा। तो ट्रेन के अंदर सब लोग बैठे तो वो टाइम जो है कब निकला वो भी पता नहीं चला। ट्रेन में बैठने से पहले जैसे हम लोग ट्रेन में बैठे तो मैंने अपने बैक ऑफिस में फ़ोन कर दिया। हालांकि उस टाइम पे जो कम्युनिकेशन था टेली कम्युनिकेशन इट वॉज नॉट सो ईजी, लेकिन सेफर साइड व्हाट आई डू वेयर एवर आई गो आई ऑलवेज बाय वन लोकल सिम ऑफ दैट कंट्री। सो आई वॉज हैविंग वन लोकल सिम ऑफ यूरोप। तो मैंने अपने बैक ऑफिस को फ़ोन किया, उनको बताया कि सिचुएशन ये है और आप जो है एमिरेट्स ऑफिस में फ़ोन करके बोल दीजिए कि ग्रुप जो है वो थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन डेफिनेटली बोर्ड करेगा। माई ऑफिस वॉज वेरी प्रॉम्प्ट, उन्होंने उनको इन्फॉर्म कर दिया। हम लोग डायरेक्टली फ्रैंकफर्ट के जो एयरपोर्ट है वहाँ पे पहुँचे। एंड दूसरी अच्छी बात ये है कि यूरोपियन जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वो बहुत क्राउडेड नहीं होते हैं, तो हम लोग टाइम से पहुँच गए और इमीडिएटली हम लोग काउंटर पे पहुँचे। काउंटर पे जाके हम लोगों ने चेक इन किया, सो वी वर राइट ऑन टाइम। उसके बाद हम लोग फ्लाइट में बैठ गए, सब लोग सेटल डाउन हो गए और मिशन इम्पॉसिबल वॉज कम्प्लीटेड। तो क्या लगता है आपको कि मैंने फ्लाइट में बैठने के बाद क्या किया होगा? आई कॉल्ड अप एयर होस्टेस, आई रिलैक्स्ड एंड आई टोल्ड हर वन रेड वाइन प्लीज। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, वैसे पसंद ही आया होगा, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, प्लीज़ डोंट फॉरगेट इट। सी यू सून, चाओ चाओ।